G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली मेजबान बनकर तैयार है। इस सम्मेलन के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजी है, लेकिन एक और जहां दिल्ली में G20 को लेकर जश्न का माहौल है, तो वहीं पंजाब में इसे लेकर पुरजोर विरोध हो रहा है। पंजाब में किसान मजदूर G20 सम्मेलन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की देश विरोधी नीतियां देश को गुलामी की राह पर लेकर जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 सम्मेलन के जरिए जो केंद्र सरकार है, वो पंजाब को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाना चाहती है, जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि अब दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा है, क्या उससे दिल्ली की जनता परेशान नहीं हो रही है? इस रिपोर्ट में देखेंगे कि G20 सम्मेलन के विरोध में किसानों ने क्या कुछ कहा। पंजाब के किसान मजदूर दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों का ये गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ है। किसानों का कहना है कि जो राष्ट्र इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जिनका दुनिया के 75% आर्थिक स्रोतों पर कब्जा है, वो भारत में भी हवाई मार्ग से लेकर समुद्री मार्ग, पानी, खनन इत्यादि पर कब्जा करना चाहते हैं। दूर संचार, रेलवे तो पहले ही बिक चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से होने जा रहा है। पंजाब मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां देश विरोधी है, इसलिए G20 शिखर सम्मेलन का विरोध 16 किसान जत्थेबंदियों द्वारा सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में किया जा रहा है। पंधेर ने कहा कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे, तो केंद्र सरकार कहती थी कि लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब दिल्ली में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को सड़कों पर आने नहीं दिया जा रहा है, गरीबों की बस्तियों के आगे बड़े पर्दे लगाकर उन्हें पीछे छुपा दिया गया है। केंद्र सरकार बताए कि उनके इस कृत्य से अब लोगों को परेशानी नहीं हो रही। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब के 13 जिलों में 16 किसान जत्थेबंदियों द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शन 13 जिलों के सभी जोनों में हो रहा है। किसान मजदूर इकट्ठा होकर अपने अपने जोन में केंद्र सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि किसानों के ये वही संगठन हैं जिन्होंने पिछले दिनों 21 अगस्त को चंडीगढ़ के लिए कूच भी किया था। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जहां कई जगह लाठीचार्ज किया था, वहीं पर कई किसानों को घरों में भी नजरबंद कर दिया था। कई किसान गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।